बहुत बहुत स्वागत है करें। सबसे पहले इंडिया गॉट टैलेंट में आप भी कुछ अपने टैलेंट दिखाने वाले हैं? जी हाँ, वैसे टैलेंट इतना कुछ है नहीं, शौक है एक्चुअली। गाने का शौक रखता हूँ, मजा आता है गाना गाने में, तो आई थॉट कि इट्स अ बहुत ही प्रेस्टिजियस स्टेज है इंडियाज गॉट टैलेंट, तो आई कुड गिव इट अ शॉट एंड सी। सॉरी, यहाँ पे बोलूँ सब हम पूछेंगे आपने? अच्छा ठीक है, सॉरी, आपकी आंखें इतनी कनेक्टेड है ना, आदमी कहीं देख ही नहीं पा रहा। चलिए, जी हाँ, एक्चुअली टैलेंट नहीं है, जितना शौक है, शौक रखता हूँ गाने गाने का, तो आई थॉट कि इंडियाज गॉट टैलेंट का जो स्टेज है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस स्टेज है, बहुत ही कूल स्टेज है, क्योंकि कूल जजेस हैं, सो नो बेटर प्लेस टू काइंड ऑफ शोकेस एंड अपने आप को भांपने के लिए कि भाई कोई टैलेंट है नहीं है, इससे कोई बेहतर स्टेज नहीं था, तो आई थॉट लेट मी गिव इट अ शॉट। अगर बात करी जाए तो सिंगिंग के अलावा कौन सा टैलेंट है करने? सिंगिंग के अलावा? सिंगिंग के अलावा कोई टैलेंट एक्चुअली कोई इनबॉर्न टैलेंट इतना नहीं है, जितना ब्रश्ड टैलेंट है। थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, इससे पहले झलक किया था, तो अब थोड़ा डांस भी कर लेता हूँ, अब थोड़ा ट्रेनिंग मिली है 2-3 दिन, तो थोड़ा गा भी लेता हूँ, तो आई थिंक अब मैं एक सिंगिंग डांसिंग एक्टर टाइप बंदा बन चुका हूँ। करण, चैलेंजिंग क्या लगता है सबसे ज्यादा इन तीनों चीजों में? आई थिंक क्योंकि काम जो है वो एक्टिंग है, तो डेफिनेटली अपना काम ही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। डांसिंग डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर। सिंगिंग तो डेफिनेटली इज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ एन एक्टर, वो तो एक शौक है। सो डेफिनेटली आई थिंक एक्टिंग इज द मोस्ट टफ, बिकॉज टू रिक्रिएट लाइफ एंड टू एम्यूलेट अ सर्टन कैरेक्टर एंड टू मेक इट लुक अलाइव एंड अ रियल पर्सन, आई थिंक दैट्स रियली हार्ड। एक झलक हो जाए मेरा शुक्रिया जो आप परफॉर्म कर। मैं अच्छा नहीं गाता, तो बट आई स्टिल सिंग अ सॉन्ग। मैं दो गाने गा रहा हूँ, एक है कभी जो बादल बरसे, दूसरा है तू मेरा हीरो, तो थोड़ा माइक दूर ले लो कि जितनी कम आवाज आए उतना बेटर है। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। क्या बात, थैंक यू सो मच। एक सवाल है, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है जी, और आप एकदम फिट हैं, तो अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट वर्ल्ड हेल्थ डे इज कि ये हेल्थ के ऊपर बात करता है, ना कि फिटनेस सिर्फ। आई थिंक एक अच्छी हेल्थ होना, टू बी हेल्दी, टू बी अलाइव, टू बी हैप्पी इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ बीइंग फिटनेस, ऑफ बीइंग फिट। तो हेल्थ अच्छी रखने के लिए आई थिंक इंसान को सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हम में से कोई नहीं करता, वो है खुश रहना बहुत जरूरी है। अपने आप को खुशी वाली चीजों से सराउंड करना बहुत जरूरी है, अच्छे लोगों से सराउंड करना जरूरी है, अच्छे थॉट्स से सराउंड करना जरूरी है। सो डेफिनेटली आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग टू बी हेल्दी। फिर होता है कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा अच्छा खाना खा लेते हैं, तो जिंदगी की खुशल मंगल रहती है, हेल्दी रहती है। थैंक यू सर जी, ठीक बैठने बात। मैं मुंबई का रहने वाले हैं सर। ओहो, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ सर। मुंबई के अंदर रहते हो या बाहर रहते हो? मुंबई के बाहर ही रहते हैं। जी, अच्छा अच्छा अच्छा, शोर नहीं मचाना, उधर शूट चल रहा होगा। देखिए सर, जो मेरे पास में मैजिक है ना, मैजिक मेक माई फादर माई ग्रैंड, क्योंकि ये मेरा दादी जी भी करते थे, ये मेरा खानदानी पैसा है। आपको कुछ पढ़ना लिखना आता है? आता है, मुझे भी आता है। मैंने 3.5 क्लास पढ़ी, सब सीख गया। तो फूक मारो, फूको मत यार, खूब मारो प्यार से। वेरी गुड, 1, 2, 3 मेरी किताब में पढ़ के बताओ क्या लिखा है। आपकी किताब में लिखा है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन सर। मुझे तो नहीं दिख रही अभी, इसलिए क्योंकि मैजिक बड़ा अच्छा लिखा, आपको खुद भी दिख रहा है। नहीं, आपको मेरी कसम है, सच बताओ इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक पेज। खाली है ना, इधर से भी खाली है और इस साइड से भी खाली है और इस साइड से भी खाली है। बोलो सर, लिख दो। सर लिख दो, आप किससे लिखते हो? मैं किससे लिखता हूँ? हाँ। तो दिल से लिखता। मैं ये होल्डर पेन से लिखता हूँ। अरे, पीछे हटो, स्याही का धक्का लग जाएगा। काली काली महाकाली, कापी को लिख दो हाली हाली, ये मंत्र है। चुर घोष, सब में लिख गया। लिखाई समझ में आ रही है? लिखाई समझ में आ रही है? नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी उर्दू की मिक्स है। हाँ, ये पारसी है, आपके समझ में नहीं आएगी। एक में लिखा है कि सब में लिखा है? सब में लिखा है। सच बोल रहे हो आप? झूठ नहीं बोला करो। मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी किताब झूठ बोल रही है। लिखा है सब में, देखो लिखा सब में। हाँ, सब में लिखा है। अच्छा, भाई आपको देखा लिखा सब में? अच्छा ये बताइए सर, लिख सके सबसे पूछ रहा था, आपको देखा लिखा सब में? लिखा हुआ है। लिखाई का कलर क्या है? विच कलर, टेल मी राइट नाउ, जल्दी बताओ सर। ब्लैक एंड पर्पल। सच बोल रहे हो? झूठ नहीं बोलना। नहीं,
मैजिक से हाथ देखो टेलुगु बहुत अच्छा बनाता हूँ, इधर से भी फूल है और इस साइड से भी फूल है, फूक मारो कम ऑन बो, इधर से भी खाली और इस साइड से भी खाली, इसका नाम है इंद्रजाल, समझ में आ गया तो इंद्रजाल है और भूल गया तो जी का जिंजाल है, ठीक है। अब ये दूसरा वाला मैजिक, नो प्रॉब्लम, इससे मुझे अच्छा सिंगर बनाना, व्हाई नॉट, नो प्रॉब्लम, मिला बात, ये देखो आप बन रहे हैं आप सिंगर, ऐसे बैठो मेरी तरह, मैं क्या करूँगी इतनी आवाज मेरी तेज हो, अच्छा होने बोलूंगा ना तो मजा नहीं होगी, अच्छा ऐसे बैठो जैसे मैं बैठूँ, ऐसे वेरी गुड, दोनों को फेमस तो देखो जी मैं अब मैजिक दिखा रहा हूँ, ये है 200 साल पुराना मैजिक, तेरा भला हो जाए, तेरी माँ मर जाए, तेरा बाप रांड हो जाए, बहुत बड़बड़ कर रहा है जी, कौन सा सांप देखो, डरना नहीं, नो प्रॉब्लम, ऐसे हाथ दिखाओ, शाबाश, हाथ की रेख नहीं देखनी है मुझे, वो वाला हाथ दिखाओ, सांप ने बहुत सारे अंडे दे दिए, सांप के अंडे देखे हैं आप लोगों ने, हाँ सर जी सांप के अंडे देखे हैं, नहीं सर कभी झांका नहीं, ये देखो चेक करो, शाबाश, क्या चीज है ये, सांप के अंडे खाओ, हाँ वेरी गुड, खा जाओ खा जाओ खा जाओ, जल्दी खा लो, खा लिया मैंने, समझ नहीं खा लिया, अच्छा आप खाओगे या मैं खा लूं, आप खा लो, अपनी जान कितनी प्यारी है इसको, खाओ खाओ, दे दो मुझे, अगर मैं खा लूं तो बता देना और चीटिंग करूं तो बता देना, एक बार ताली बजा देना जरा थोड़ा आस्ते आस्ते, ओहो खा गया आबे भाई, बैटरी काम तो नहीं करेगा इसमें, यहाँ सर मेरे पास भी एक सांप है, आ हाँ एक और, एक और, आ हाँ एक और, दो, आ हाँ एक और, आ हाँ एक और, मैं लग रही थी आपकी, कह रहा है एक और एक और एक और, चलो हाँ सांप नहीं लाना, जो मैं आपको दे रहा हूँ सर वो आप खा लेना, पकड़ो गया भाई भाई है, बूम, ओह माय गॉड, एक एक किलो का एक एक है सर, अगर ये रियल में मेरे पेट में से निकलना चालू हो जाते ना तो हिंदुस्तान में सबसे टॉप क्लास लोहे की फैक्ट्री किसकी होती, सर अभी भी होती, आप ट्राई मत करना नहीं तो भी लग जाएगा, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी गुड, दोनों को फेमस, तो देखो जी मैं अब मैजिक दिखा रहा हूँ, ये है 200 साल पुराना मैजिक, तेरा भला हो जाए, तेरी माँ मर जाए, तेरा बाप रांड हो जाए, बहुत गड़बड़ कर रहा है जी, कौन सा सांप देखो, डरना नहीं नो प्रॉब्लम, ऐसे हाथ दिखाओ, शाबाश, हाथ की रेख नहीं देखनी है मुझे, वो वाला हाथ दिखाओ, सांप ने बहुत सारे अंडे दे दिए, सांप के अंडे देखे हैं आप लोगों ने, हाँ सर जी सांप के अंडे देखे हैं, नहीं सर कभी झांका नहीं, ये देखो चेक करो, शाबाश, क्या चीज है ये, सांप के अंडे खाओ, हाँ वेरी गुड, खा जाओ खा जाओ खा जाओ, जल्दी खा लो, खा लिया मैंने, समझ नहीं खा लिया, अच्छा आप खाओगे या मैं खा लूं, आप खा लो, अपनी जान कितनी प्यारी है इसको, खाओ खाओ, दे दो मुझे, अगर मैं खा लूं तो बता देना और चीटिंग करूं तो बता देना, एक बार ताली बजा देना जरा थोड़ा आस्ते आस्ते, ओहो खा गया आबे भाई, बैटरी काम तो नहीं करेगा इसमें, यहाँ सर मेरे पास भी एक सांप है, आ हाँ एक और, एक और, आ हाँ एक और, दो, आ हाँ, आ हाँ,
एक और एक और एक और एक और एक और एक और चलो हाँ सांप ले लाना जो मैं आपको दे रहा हूँ सर वो आप खा लेना पकड़ो ओह माय गॉड एक एक किलो का एक एक सर अगर ये रियल में मेरे पेट में से निकलना चालू हो जाते ना तो हिंदुस्तान में सबसे टॉप क्लास लोहे की फैक्ट्री किसकी होती होती आप ट्राई मत करना नहीं तो दिल लग जाएगा अच्छा लगा थैंक यू मेरे पास बैठने से एक काम हो गया आपका हीरो बन जाओगे आप इस शो के बाद क्योंकि मैंने जिस भी शो में शो किया है ना उसमें पहले हैंग कर रहे सीजन टू में सीजन वन में वो भी हीरो बन गए ना हमारा आशीर्वाद है आपको